हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मूड बहुत ख़राब हो रखा है और अर्जेंट मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इसका कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं ये वीडियो आपके लिए पोस्ट करूँगी, बट कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे लगता है कि मुझे आप सबके साथ ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए और आप सबको नॉलेज होनी चाहिए इस बात की कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। क्या हुआ था कि मैंने purplle.com जो ऑनलाइन साइट है ब्यूटी से रिलेटेड, उससे मैंने पांच चीज़ें गुड वाइब्स की ऑर्डर करी थी, जिसमें एक फेशियल ऑयल था सिल्वर लीव्स वाला, एक फेस सीरम था, फेस मिस्ट एंड फेस टोनर और एक फेस पैक था। ये पांचों चीज़ें थी गुड वाइब्स की। तो मैंने इसका ऑर्डर किया था और प्रीपेड ऑर्डर था, 500 रुपीज़ के आसपास का इसका वैल्यू थी और वेट कर रही थी। बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ऑर्डर कर रही थी गुड वाइब्स की चीज़ें। बहुत ज़्यादा मैंने सुन रखा था यूट्यूब पर लोगों से गुड वाइब्स के बारे में और सोच रही थी कि मैं भी ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। और बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी, इतनी ज़्यादा खुश थी, लेकिन मेरी सारी खुशी पर पानी इतना ज़्यादा फिर गया है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। 9 तारीख को मैंने, यानी 9 मई 2019, अभी की बात है, लास्ट वीक की, मैंने ऑर्डर किया सामान। और दिखाता रहता है उसमें, वैसे भी जब भी आप कुछ भी ऑर्डर करो, मेरे साथ तो शुरू से ऐसा हुआ है कि जब भी आप कुछ ऑर्डर करो वो 2 दिन के बाद की जब भी आपको डिलीवरी डेट देगा, पर 2 दिन बाद आपको ये मैसेज आ जाता है कि अगर आपका पैकेट अभी तक शिपमेंट नहीं हुई होगी तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। बस ऐसा होता नहीं है, बट 5वें 6ठे दिन डिलीवर हो जाता है प्रोडक्ट। और इनकी जो पार्टनर कुरियर कंपनी है वो है शैडोफैक्स, इसी से हमेशा मुझे कुरियर आते थे। 14 तारीख को मॉर्निंग में मेरे पास मैसेज आया कि आपका प्रोडक्ट आउट फॉर डिलीवरी है और आज डिलीवर हो जाएगा। मैं सारा दिन वेट करती रही, शाम को 6 बजे तक मैंने वेट किया और मुझे कुछ अर्जेंट काम था जिसकी वजह से मुझे 6 बजे से बाहर जाना था और मैं निकल गई 6:15 के आसपास मैं निकल गई और मैं करीब 7:30 बजे अपने घर लौटी हूँ। तो आते ही मैंने देखा, मुझे लगा कि देख लूँ शायद कुछ मैसेज आया हो या कहीं आकर लौट तो नहीं गया कुरियर, तो मैंने चेक किया, मेरे पास 2 मैसेजेस आए हुए थे। एक था 6:17 के आसपास का कि कस्टमर नॉट अवेलेबल और आप रीशेड्यूल कर दीजिए अपनी डिलीवरी, जो भी प्रोडक्ट की डिलीवरी का आप रीशेड्यूल कर दीजिए। उसके बाद एक और मैसेज आता है 7:30 के बीच में कि प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड। मुझे समझ में नहीं आया कि प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, तो मैंने सोचा शायद नीचे जो मेरे यहाँ लोग रहते हैं दूसरे फ्लोर पर, उनके यहाँ दे गया होगा कुरियर बॉय। तो मैंने जाकर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं आया था और हमारे पास नहीं है कुरियर। मैंने कुरियर वाले को भी 2 से 3 बार कॉल करी, 7:30 से लेके 8 बजे के बीच में यही सब चल रहा था। मैंने उनको भी कई बार कॉल किया पर कुरियर बॉय ने मेरा कॉल पिक नहीं किया। तो मुझे लगा शायद, एकदम से दिमाग में आपके हो जाता है ना, अगर कुछ नहीं सही चल रहा है तो क्या हो गया होगा, तुरंत आपके दिमाग में आता है कि शायद कुछ घपला हो गया होगा, कुछ गड़बड़ करी होगी किसी ने। तो मैंने तुरंत शैडोफैक्स में मेल डाली और मैंने पर्पल को भी मेल डाली। शैडोफैक्स की तरफ से जैसे मैंने मेल डाली, कंप्यूटराइज्ड जो उनका रिप्लाई आता है वो तुरंत रिप्लाई मेरे पास आ गया कि चूंकि अब लेट हो चुका है तो नेक्स्ट डे आपको कॉल किया जाएगा और आपसे बात करी जाएगी। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने एक बार फिर से ट्राई किया कुरियर वाले को कॉल करने के लिए, तो सुबह मैंने करीब 9 बजे के आसपास उनको कॉल किया, उन्होंने कॉल पिक कर लिया। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा मेरे पास मेरा प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है, ऐसा मेरे पास मैसेज आ रहा है, हर जगह अपडेट हो गया है कि मेरा प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, बट मुझे नहीं मिला और मैं घर पर भी नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि, पूछा एड्रेस वगैरह और ये वो, तो उन्होंने बोला नहीं मैम, ऐसा था कि मुझे काम थोड़ा ज्यादा था और मैं आपकी लोकेलिटी की तरफ आया ही नहीं, आपका प्रोडक्ट जो है वो अभी भी ऑफिस में रखा हुआ है और कल कोई दूसरा लड़का आएगा आपके पास, सुबह आउट फॉर डिलीवरी का मैसेज आ जाएगा, उसके साथ जो नंबर होगा आप उनको कॉल कर लीजिएगा और आप उनसे पता कर लीजिएगा कि कब तक डिलीवर होगा प्रोडक्ट। हेलो हेलो, हाँ जी भैया, ये कल मेरा एक पार्सल डिलीवर होना था पर्पल का, तो ये डिलीवर तो हुआ नहीं, तो डिलीवरी कैसा दिखा रहा है शाम की, कैसे मतलब किस एड्रेस पे मैम? नहीं तो डिलीवरी तोड़ दिखा रहा होगा मैम वो। नहीं नहीं, डिलीवरी ही दिखा रहा है, हर तरफ से मुझे डिलीवरी का आ रहा है कि आपका डिलीवर हो गया प्रोडक्ट, जबकि मैं तो थी नहीं घर पे। पता नहीं मैम, अगर होगा तो आज आपका ऐसा था ना, कल मेरे तो काम ज्यादा था तो मैं शायद आपका पैकेट गया ही नहीं था, पैकेट आपका ऑफिस में है। अच्छा हाँ, वो आज मिल जाएगा आपको।
अरे तो उसमें ये भी दिखा रहा है कि घर आया और डिलीवर नहीं हो पाया, मिला नहीं कोई, और फिर डिलीवर भी दिखा रहा है सब तरफ से, मुझे मैसेज आ रहा है, मुझे टेंशन हो रही कि मेरा तो कहाँ चला गया प्रोडक्ट। नहीं, वो पैकेट आपका ऑफिस नहीं है, मिल जाएगा आज आपको। मैं निश्चिंत हो गई, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हो गई होगी किसी वजह से दिक्कत, तो मैं निश्चिंत हो गई। दोपहर में 12 बजे के आसपास शैडोफैक्स की तरफ से मुझे कॉल आया, कस्टमर केयर वाली लेडी ने सारी बातें मुझसे पूछी कि क्या हुआ था। तो चूंकि रात में जो मैंने मेल करी थी उसमें मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ है, तो मैंने उनको सारी बातें डिटेल में बताई। उन्होंने भी सारा चीज पूछी कि ये चीजें आपने मतलब प्रोडक्ट परचेज किए पर्पल से और क्या हुआ था, तो मैंने उनको बताया सारी डिटेल्स। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपका डिलीवरी रीशेड्यूल करते हैं, फिक्स करते हैं आपकी प्रॉब्लम को। तो मैं बहुत अच्छे से, मुझे लगा कि कोई दिक्कत नहीं हो, मैं उस वक्त भी नाराज हो सकती थी, मैं उन पर एंग्री हो सकती थी, बट मैंने नहीं किया कि ठीक है प्रॉब्लम हो जाती है, हम इंसान है, किसी वजह से कुछ भी अगर बटन प्रेस गलती से हो गया तो कुछ भी आपको आ जाएगा गलत मैसेज या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इंसान ही है। लेकिन मतलब कि आप सोच नहीं सकते हो कि कोई रिप्लाई नहीं किसी चीज का उसके बाद से। मैं पर्पल को 2 बार मेल कर चुकी हूं, मैं शैडोफैक्स को 2 बार मेल कर चुकी हूं, शैडोफैक्स का नंबर आप कस्टमर केयर लगाते रहोगे कोई अवेलेबिलिटी उसमें नहीं रहती, कभी वो लगता ही नहीं है, आपको मैसेज तुरंत जो है कंप्यूटराइज चल जाएगा कि अभी आपका कॉल ट्रांसफर कर दिया जाएगा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को, बट उसके बाद वो जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है। और पर्पल का जो कस्टमर केयर नंबर है ये तो लगता ही नहीं है किसी तरीके का, आज तक मुझे कोई रिप्लाई पर्पल की तरफ से नहीं मिला है, मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है, ना मेरे किसी मेल का रिप्लाई किया है उन्होंने, ना किसी तरीके का कोई कहीं से भी जो है मैसेज आया है, कंप्यूटराइज्ड मैसेज तक नहीं आया मेरे पास। और इतनी बड़ी कंपनी होकर आप इस तरीके का बिहेवियर रखते हो कि अगर आपका प्रोडक्ट कोई खरीद रहा, आपका कस्टमर है, 4-5 बार से मैं उनसे परचेज कर रही हूं सामान, आ जाता है, इस बार मुझे कोई दिक्कत आई, इसके पहले तो मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करी, इस बार मुझे दिक्कत आ रही है तो मैं आपसे बोलूंगी ना, आपका वो कुरियर पार्टनर है, आप उनसे बात करिए, मेरी प्रॉब्लम तो सुनिए आप कम से कम। मैंने आपको मेल करी, आपकी तरफ से किसी भी तरीके का कोई रिप्लाई नहीं है, ना कोई मैसेज, ना कोई मेल, ना कोई कॉल किसी भी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की, तो मैं क्या करूं यहां पर, मेरी गलती है इसमें? जब आपका कुरियर बॉय घर नहीं आया और वो मुझसे कह रहा है कि आपका प्रोडक्ट आपका रखा हुआ है ऑफिस में, तो इसमें मैं क्या करूं? मैं 3 दिन से परेशान हूं, 14 तारीख की ये बात है, 14 तारीख से आज 17 तारीख हो गई है, 17 मई हो गई, और मैं लगातार कुरियर बॉय को कॉल कर रही हूँ, लगातार यही कह रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है रखा हुआ है, कल तो उन्होंने पूरी डिटेल मुझसे बात करी, जाके मेरा पूरा चेक किया जो है कंप्यूटर पर कि नहीं मैम आपका प्रोडक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और डिलीवर हो जाएगा, उन्होंने वहां पर ऑफिस में भी बात करी, लेकिन उसके बाद भी नहीं। मैं अब आज मैंने सुबह जब कुरियर बॉय को कॉल किया तो वो कहते हैं कि मैम कोई भी अभी दूसरा बंदा आएगा आपके पास डिलीवर करने, और जब नहीं आया तो मैंने फिर वापस उनको कॉल किया तो वो बोलते हैं कि मैम कोई पिक नहीं कर रहा, मैं किसको बोलूं, कोई ऑफिस में फोन नहीं उठा रहा है। अभी ऑफिस में फोन नहीं उठ रहा था, अभी जब लास्ट मैंने हार कर फिर से उन्हीं को कॉल किया कुरियर बॉय को, तो वो खुद भी फोन नहीं उठा रहे। क्या करूं मैं, मेरी क्या गलती है इसमें, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आपका कुरियर पार्टनर है पर्पल का, आप उनको कॉल करिए, आप उनसे बात करिए, आप मुझसे पूछिए कि क्या प्रॉब्लम हुई है, मेरा प्रोडक्ट आप डिलीवर करवाइए कैसे भी करके, प्रीपेड मेरा ऑर्डर है, मुझे दिक्कत है, 500 रुपए का मैंने ऑर्डर किया है, इतना कम नहीं होता है एक इंसान के लिए जो मेहनत से कमाता है, उसके लिए एक एक पैसा कीमती होता है, तो आप कम से कम इतने गट्स तो रखिए कि आप कम से कम कॉल करिए, किसी तरीके से पूछिए कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, मेरा जो सामान नहीं मिला वो मुझे वापस करिए। आगे से मुझे जब भी अगर परचेज में, वैसे तो मेरा मूड एकदम ऑफ हो चुका है purplle.com से, बट अगर मुझे फिर भी कभी भी परचेज करना होगा तो मैं तो बहुत डर जाऊंगी कि भैया मैं तो कभी इसमें प्रीपेड ऑर्डर करूंगी ही नहीं, और आप उसमें वो भी शर्तें भी रखते हो कि अगर प्रीपेड ऑर्डर नहीं होगा तो आपको अलग से COD पे पैसे देने पड़ेंगे, ये भी अच्छा है, आप किसी तरीके की जिम्मेदारी भी नहीं लोगे और आपको प्रीपेड भी चाहिए सब कुछ ऑर्डर, आप किसी तरीके से मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करिए और मेरा सामान मुझे मिलना चाहिए। अगर इन बिटवीन इस वीडियो के पोस्ट करने के बाद कुछ समय के अंदर मुझे कुरियर वाले की तरफ से ही मिल जाता है मेरा प्रोडक्ट, तो मैं एक नया वीडियो बना के आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगी कि उनकी तरफ से मिला है, या जो भी मुझे कॉन्टैक्ट करेगा, किसी भी तरीके की कॉन्टैक्ट होगी मुझसे और जो भी बातें होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूं कि पर्पल की तरफ से मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं आया इस वजह से। थैंक यू सो मच एवरीवन मेरी पूरी बात सुनने के लिए, और आप इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि
पर्पल तक ये वीडियो कम से कम पहुंच जाए और वो कुछ करें। आगे आप सबके साथ ऐसा ना हो उसके लिए भी आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि इस वीडियो की वजह से आगे से और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन अपना कीमती समय देने के लिए। फिर मिलती हूँ, टेक केयर एंड बाय बाय।